हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम वापस कंटिन्यू करने पोकेमॉन ब्लैक वर्जन। आज हम फिर से इसी गेम खेल रहे हैं क्योंकि ये गेम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, आपको पता ही होगा। हम इसमें एलीट फोर से बैटल कर चुके हैं, दो एलीट फोर से, और आज के एपिसोड में हम बाकी दो एलीट फोर से बैटल करने वाले हैं। और मैंने अपने पोकेमॉन्स को हील करके रखा हुआ अच्छी तरह से पहले ही। सो अब चलते हैं भाई एलीट फोर से बैटल करने के लिए, बाकी बचे हुए दो तो इस तरफ चलते हैं पहले हम। ओके भाई, इस जगह कौन सा एलीट फोर रहता है? वैसे डार्क और साइकिक टाइप का एलीट फोर रहता है अभी। ओके भाई, वापस से उड़ा के लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है भाई साइकिक टाइप पोकेमोन का ट्रेनर होगा जो भी एलीट फोर होगा ये। ओके भाई, पिछली बार भी हम मुड़ के गए थे इस तरह, जब पिछली बार हमने घोस्ट टाइप ट्रेनर से बैटल किया था। ओके भाई, ये रूम लगता है इसका और बेड भी रखा हुआ है यहाँ पर। वैसे ये सभी एलीट फोर लगता है यहीं पर रहते हैं पोकेमोन लीग में, और यहीं पर इनका घर भी है शायद, ऐसा ही होगा। वैसे मैं यहाँ पर पोकेमोन देख लेता हूँ एक बार। वह साइकिक टाइप ट्रेनर है तो भाई डार्क टाइप पोकेमोन यूज़ होने वाला है हमारा क्रोकोडाइल। हु आर यू? हाउ इम्प्यूडेंट यू आर टू डिस्टर्ब माई स्लीप। ओके, लगता है यहाँ पर सो रही थी। और वैसे हम चैलेंजर है भाई बैटल करने के लिए आए हैं। यू अपीयर टू पोजेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड काइंडनेस, वेरी वेल। मेक योर बेस्ट एफर्ट नॉट टू बोर मी विद अ याम इंड्यूसिंग बैटल, क्लियर। ओके भाई, बोर तो हम वैसे करने नहीं वाले, हम काफ़ी अच्छा बैटल कर सकते हैं वैसे, इसे पता चलेगा अभी। सो गाइस, यहाँ पर हमारा थर्ड एलीट फोर बैटल स्टार्ट होने वाला है। और भाई इसके पास चार पोकेमॉन्स हैं, वैसे सभी एलीट फोर के पास चार पोकेमॉन्स थे अभी तक तो। तो पहला पोकेमॉन है रियोनिकलस, ऐसे ही कुछ नाम है इसका, रियोनिकलस। तो यहाँ पर हमारा क्रोकोडाइल आ चुका है बैटल के लिए। अवेल यहाँ पर मैं डायरेक्टली फाउल प्ले करने वाला हूँ, कोई ज़्यादा दूसरा मूव नहीं करने वाला। वैसे इस अटैक का डैमेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि सुपर इफेक्टिव तो है पर डैमेज इतना अच्छा नहीं दिया इसने। तो एक और बार करते हैं फाउल प्ले। वैसे तो यहाँ पर भाई क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पर हमने इसके पहले पोकेमॉन को कर दिया फेंट, टू हिट किए लगे बस इसे। ओके, तो बाकी पोकेमॉन्स को एक्सपीरियंस मिल रहा है, यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस शेयर दिया हुआ है पहले से ही। ओके, सीखी लाइफ आ रहा है अगला पोकेमॉन। तो पहले हमारा क्रोकोडाइल इसे भी संभाल दिया। और यहाँ पर मैं साइड को लोअर करके देखता हूँ एक बार, हो सकता है अच्छा डैमेज मिल जाए। डैमेज तो काफ़ी अच्छा दिया इसने। और भाई इसकी आधी एचपी, आधे से ज़्यादा एचपी ख़त्म हो चुकी है। वो भाई क्रोकोडाइल को भी भाई काफ़ी अच्छा डैमेज दिया उसने अब की बार। ओके, वैसे फेंट होना चाहिए अब की बार तो ये। सो फाइनली हम इसके दो पोकेमॉन्स हरा दिया है, बस ये उसकी आधी टीम, मतलब उसके बाकी दो पोकेमॉन्स। देखते हैं अगले पोकेमॉन कौन से होने वाला है। मिशान ना, तो यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ, हम अपने डैन को बुलाने वाले हैं। वैसे डैन के पास भी एक डार्क टाइप मूव है, बाकी उसके पास ड्रैगन टाइप और एक नॉर्मल टाइप मूव पड़ा हुआ है। भाई जल्दी जल्दी इसकी ट्रेनिंग हो जाए, ये इवोल्व हो जाए यार चैंपियन से पहले, चैंपियन से बैटल करने से पहले तो सही रहेगा। देखते हैं भाई एक्सपीरियंस की, वैसे पावर इतनी ज़्यादा नहीं है और डैमेज भी इतने इसने इतना ज़्यादा नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पहले तो मैं अपने पोकेमॉन को हील करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर भाई हाइपर पोशन पड़े हुए हैं मेरे पास, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल को हील कर लेते हैं और फिर आगे क्रोकोडाइल को बुलाते हैं बैटल्स में। भाई साइकिक अटैक कर रहा है ये, और भाई इसने डैन को भाई 12 एचपी पर छोड़ दिया। भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का अटैक था, वो डैमेज बहुत अच्छा था इसका। तो यहाँ पर एक मैं ड्रैगन को लो करके देखते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा डैमेज दे दिए। ओके, कुछ भी इतना अच्छा डैमेज नहीं था, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्रोकोडाइल को वापस से बुलाते हैं बैटल में। कहाँ गया ये रहा भाई हमारा क्रोकोडाइल? वैसे तो इस पूरे बैटल में यही कमाल कर देगा। ओके, सो यहाँ पर मैं वापस से करने वाला हूँ शैडो क्लो। ये अटैक वैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सेकंड अटैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पड़ रहा है। और एक और पोकेमॉन फेंट, सो फाइनली इसको लास्ट पोकेमॉन बचता है, अब उसे भी हम हरा देंगे। फिर देखते हैं भाई अगला पोकेमॉन है कौन सा वो। ओके, गोथी टैला। ओके, ऐसा कुछ नाम है तो गोथी टैला, तो ये है वो पोकेमॉन। ओके, इसकी फ्रिज की एबिलिटी, सो इसके अटैक करते हैं वापस से शैडो क्लो। भाई गोस्ट टाइप मूव भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है साइकिक टाइप के अगेंस्ट। ओके यार, ये इफेक्टिव नहीं था ज़्यादा, इतना अच्छा डैमेज नहीं दिया इस मूव ने। सो यहाँ पर फाउल प्ले करने वाला हूँ की बार में। वैसे फाउल प्ले तो अच्छा डैमेज दे दीजिएगा इसे। ओके, डैमेज तो काफ़ी अच्छा था वैसे। और यहाँ पर भाई मुझे लगता है कि और ये कोई आइटम यूज़ करने वाली है क्योंकि इसका बेस्ट पोकेमॉन है और एकदम से तो फेंट नहीं करवाने वाली है। वैसे फाउल प्ले करने वाला हूँ मैं वापस से। ओके भाई, इसने कोई आइटम यूज़ नहीं किया यहाँ पर, मुझे लगा कोई आइटम यूज़ करने वाली है, इसने कोई भी आइटम यूज़ नहीं किया, लगता है भूल गई या फिर इसके पास कोई आइटम है नहीं था। सो यहाँ पर हमने अपना थर्ड एलीट फोर बैटल जीत लिया है, अब बचता है बस लास्ट एलीट फोर, उसके बाद हम चैंपियन से बैटल करने वाले हैं। यू हैव नॉट फेस्ड ऑल ऑफ द मेंबर्स
of the Elite Four, yet you have. Don't concern yourself about me. Go on ahead. Okay, so भाई हम बाकी एक लास्ट एलिट फोर बचता है उसे भी हम हरा ही देंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे अगला जो एलिट फोर है वो डार्क टाइप पगमन यूज़ करता है। सो गाइस मैंने पगमन को हील कर लिया अपने और बढ़ते हैं हम लास्ट एलिट फोर की तरफ। ओके, वैसे जगह काफ़ी डार्क टाइप है और यहाँ पर भाई मसाले जल रही हैं। ओके, वो रहा भाई टॉप पर और यहाँ पर भी हमें एलिवेटर से जाना पड़ रहा है। वैसे वैसे सीढ़ियाँ हैं कुछ इस तरह की जो ऊपर जाती रहती हैं। भाई इस गेम में यार यही चीज़ें काफ़ी कमाल की है वैसे, एलिट फोर तक जाने का सिस्टम। जो पहले दो एलिट फोर से मैंने बैटल किया था पिछली वीडियो में, उनमें भी काफ़ी कमाल का सिस्टम था। ओके, तो ये रहा भाई वो लास्ट एलिट फोर और ऊपर कैंडल्स भी जल रही हैं यहाँ पर। मैन ओ मैन, वॉट इज गोइंग ऑन टूडे, चैलेंजर्स कमिंग वन राइट आफ्टर अनदर। ओके, यहाँ पर कोई और चैलेंजर भी आया है। वेल वैसे वो हो कौन सकता है, वेल नो मैटर, आई एम अ ग्रिम्सली ऑफ द एलिट फोर एंड आई विल फुलफिल माई ड्यूटी टू बी योर अपोनेंट। ओके, तो वैसे इसने बताया मुझे कि यहाँ पर एक और चैलेंजर आया है, पहले से ही बैटल करके गया इससे। वैसे वो चैलेंजर हो कौन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो कैरन हो या फिर एन भी हो सकता है वो। ओके, पहले पगमन है स्क्रफ्टी, सो यहाँ पर एम्बोर का यूज़ करते हैं। वेल यार फाइटिंग टाइप वर्सेस फाइटिंग टाइप पगमन हो रहा है यहाँ पर। मुझे लगा था वो कोई डार्क टाइप पगमन यूज़ करने वाला है, पर यहाँ पर उसने एक फाइटिंग टाइप पगमन बुलाया है। सो यहाँ पर फ्लेम थ्रो करते हैं, देखते हैं ये अटैक कितना अच्छा डैमेज दे पाएगा इसे। ओके, डैमेज तो काफ़ी अच्छा था, वैसे उसके हाफ एच भी चली गई हो, यहाँ पर उसने ब्रेक ब्रेक किया है भाई। डैमेज तो ठीक ठाक ही था इसका वैसे, ऐसा आपकी बारी करते हैं फ्लेम थ्रोवर। भाई फेंट होना चाहिए आपकी बार तो वैसे ही। ओके, तो फेंट हो चुका है इसका पहला पोकेमोन। वैसे हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है साइकिक और डार्क टाइप पोकेमोन्स के अगेंस्ट। सो अगला पोकेमोन है क्रोकोडाइल। वैसे यार ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है, सो हो सकता है हमारा फ्लेम फेंट हो सकता है इसके सामने, उसके ग्राउंड टाइप अटैक्स के सामने। वैसे सो यहाँ पर मैं आर्म थ्रस्ट करने वाला हूँ। ओके, उसने अर्थक्वेक किया यहाँ पर। वैसे मुझे लग ही रहा था यार वो ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है, इसलिए उसने ग्राउंड टाइप में वो सीखे हुए हैं। सो यहाँ पर हमारा फ्लेम फेंट हो चुका है। सो यहाँ पर मैं बुलाने वाला हूँ सुहाना को, क्योंकि वो वॉटर टाइप पोकेमोन भी और फ्लाइंग टाइप भी, इससे उसे अर्थक्वेक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर सर्फ अटैक करते हैं और भाई फाउल प्ले कर रहा है वो। भाई डैमेज कितना अच्छा दिया यार इसने, मुझे लगा नहीं था वैसे डार्क टाइप वो फ्लाइंग टाइप के सामने इतने यार डैमेज दे पाएंगे, पर यहाँ पर भाई उसके भी अच्छा खासा डैमेज लग चुका है। सो आपकी और फेंट होना चाहिए वैसे ही। अरे यार उसने फुल रिस्टोर दी जैसे। वैसे पिछले वाले एलिट फोर ने कुछ भी आइटम यूज़ नहीं किया था अपने पोकेमोन पर, और ये वाला यूज़ कर रहा है वैसे। ओके, अब की बार बस की एक अच्छी बस्ती है शायद। वेल यहाँ पर शायद से मुझे ब्रेव बर्ड करना चाहिए, हो सकता है फेंट हो जाए। और भाई एक और बार फुल रिस्टोर, लगता है भाई सारे फुल रिस्टोर अपने क्रोकोडाइल के ऊपर ही लगाने वाला है ये। वैसे यार ब्रेव बर्ड किया है यार, हो सकता है हमारा सुहाना फेंट हो जाए। ओके, छः अच्छी बस्ती है, बस यहाँ पर एक और बार कर देते हैं यहाँ पर हम सर्फ। भाई उसने पहले अटैक कर दिया यार, और यहाँ पर हमारा सुहाना फेंट हो चुका है। सो यहाँ पर भाई सेस्मी रोड को बुलाते हैं, उसे भी काफ़ी अच्छे वॉल टाइप मूव्स आते हैं और फाइटिंग टाइप मूव्स भी आते हैं वैसे से। सो यहाँ पर मैं ड्रेन पंच करने वाला हूँ, वैसे जो भी डैमेज लगेगा हम उसे वापस रिस्टोर कर लेंगे इस तरह से। भाई अर्थक्वेक कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है यार एक वॉल टाइप पोकेमोन को, जबकि हमारे सेस्मी रोड खुद एक वॉल टाइप ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है। ओके, तो हमने उसका भाई यहाँ पर एक और पोकेमोन आ दिया है, बचते हैं उसके साइज से दो पोकेमोन बचते हैं उसके। ओके, बिसार, सो यहाँ पर मैं चेंज नहीं करने वाला। ओके भाई बिसार को लेवल 50 है, इसका मतलब इसका बेस्ट पोकेमोन है। देखते हैं भाई फाइटिंग टाइप मूव्स कितने ज़्यादा डैमेज दे पाएंगे। ओके भाई बहुत अच्छा डैमेज था, वैसे मुझे लगा ही था भाई ड्रेन पंच है काफ़ी अच्छा डैमेज दे पाएगा ये, और वो नाइट स्लैश कर रहा है अब की बार। वैसे अब की बार मैं ड्रेन पंच करने वाला हूँ, अब की बार फेंट होना चाहिए वैसे ये। ओके, लग गया अटैक। सो हमने उसका बेस्ट पोकेमोन दो हिट्स में हरा दिया, अब बस उसका लास्ट पोकेमोन बचता है, तो इसे भी हम फेंट कर देंगे आराम से। और यहाँ पर हमारे सेस रोड का लेवल अप भी हो गया। सो अगला पोकेमोन है लाइपार्ट, सो यहाँ पर मैं चेंज नहीं करने वाला पोकेमोन को। वेल यहाँ पर मैं ड्रेन पंच करने वाला हूँ, फेक आउट। ओके, कोई अच्छा डैमेज नहीं था, पर यहाँ हमारा पोकेमोन फ्लिंच हो गया। ओके, अट्रैक्ट कर रहा है यार वो, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वैसे। भाई अटैक कर देना। ओके यार इसने अटैक नहीं किया, आपकी बार एक और बार ट्राई करते हैं। नाइट स्लैश कर रहा है कि और भाई इस तरह तो हमारा पोकेमोन फेंट हो जाएगा। भाई 24 अच्छी बस्ती है भाई, अटैक कर जल्दी। अरे यार इसने एक भी अटैक नहीं किया अभी तक।
कोई उसकी एक बैच भी नहीं गई, और यार एक अटैक लगने पर वो फेंट हो सकता है, वैसे वन हिट के वो मुझे लगता है हो सकता है वो इस ड्रेन पंच से। सो मैं यहाँ पर फुल डिस्टोर्ट यूज़ करने वाला हूँ हमारे स्टेशन रोड के ऊपर, हो सकता है इससे ये इसका जो अट्रैक का असर है वो ख़त्म हो जाए, और वो एरियल इस कर रहा है की बार। अरे यार ये अटैक ही नहीं कर रहा, हमें टाइम लगने वाला है लगता है अटैक करने के लिए। भाई अटैक कर दे की बार, भाई फेंट हो जाएगा यार ये। ओके भाई हमारे सेसमी रोड अटैक ही नहीं कर रहा यार बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं वैसे मुझे लगता है क्रोकोडाइल कुछ कर पाएगा क्या। सो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ भाई फ्लेम को एक बार रिवाइव दे देते हैं, रिवाइव मुझे देना है फ्लेम को। भाई ये रहा हमारा फ्लेम, मुझे लगता है भाई फ्लेम तो हरा ही देगा वैसे अगर उस पर अट्रैक का असर नहीं हुआ तो। भाई यार हमारे सेसमी रोड को काफ़ी ज़्यादा अटैक झेलने पड़ रहे हैं यहाँ पर। सो मैं डायरेक्टली फ्लेम को बुलाने वाला हूँ बैटल में, मुझे नहीं लगता भाई फ्लेम इतनी जल्दी फेंट हो पाएगा इसके सामने। बट यार प्रॉब्लम यह है कि उसे एक फ्लाइंग टाइम हो पाता है, अगर वो इसने कर दिया तो हमारा फ्लेम फेंट हो सकता है वैसे देखा जाए तो। भाई ये जो बैटल है भाई बहुत टाइम पहले ख़त्म हो सकता था, पर ये हमारा जो सेशमी रोड है वो अट्रैक्ट में आ गया था, उससे यहाँ पर हमारा फ्लेम भी फेंट हो गया। अरे यार तो यहाँ पर मैं वापस सेशमी रोड को बुलाने वाला हूँ, पता नहीं इसका अट्रैक्ट का असर निकला नहीं निकला अभी तक। मडी वाटर करते हैं, और यहाँ पर नाइट फ्लैश कर रहा है वो, और यह हमारा भाई सेसमी रोड हो चुका है फेंट। भाई इसने यार लास्ट में आके हमारे थोड़े बैटल को थोड़ा इंटेंस बना दिया है, वैसे तो ये बैटल इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है। और यहाँ पर हमारा क्रोकोडाइल आ चुका है बैटल में, तो यहाँ पर मैं भाई रिवाइव करने वाला हूँ हमारे पोकेमोन को। रिवाइव वैसे मैं सोच रहा हूँ भाई मैक्स रिवाइव का यूज़ करूँ, क्योंकि मैं भाई इस बैटल को और भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता अब। सो यहाँ पर फ्लेम को रिवाइव कर देते हैं जल्द से जल्द। ओके भाई ये क्रोकोडाइल पर भी अट्रैक कर रहा है यार, और यहाँ पर हमारा क्रोकोडाइल है वो भाई अटैक नहीं करने वाला अब, और मैं रन कर दिया था गलती से, वैसे रन हुआ नहीं है। वैसे ट्रेनर बैटल्स रन नहीं होते, ये गलत है। अगर ऐसा होता कि अगर हम ट्रेनर बैटल्स भी रन कर सकते हैं तो थोड़ा अजीब हो जाता गेम। तो यहाँ पर हमारा फ्लेम आ चुका है बैटल में पूरी तरह से रिस्टोर होकर, और यार वो एरियल कर रहा है, ये अटैक थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे रहा है बस। सो यहाँ पर भाई मैं आर्म टेस्ट करने वाला हूँ, अगर लाइफ गार्ड को 3 या 4 आर्म टेस्ट लग गए तो हो सकता है वो फेंट हो जाए। ओके भाई पहला अटैक किया इसने और दूसरा अटैक, ओके भाई यार 2 अटैक और कर देता ये फेंट हो सकता था। सो आपके बारे में आराम आर्म टेस्ट करते हैं, और एरिया लेस कर रहा है यार ये भाई, फेंट मत हो जाना फ्लेम यार। ओके 24 HP और अब की बार तो भाई हम जीत ही जाएंगे। सो फाइनली गाइस हमने उसके लास्ट पोकेमोन को भी हरा दिया है, और अब हमने सभी एलीट फोर को यहाँ पर हरा दिया, यूनोवा के सभी एलीट फोर हार चुके हैं। अब हम चैलेंज कर सकते हैं चैंपियन को, पहले तो हमें यार देखना पड़ेगा यार वो चैलेंजर कौन है जो कि हमसे पहले आया यहाँ पर। एस्टोनाइसिंग, यू हैव डिफीटेड एवरी मेंबर ऑफ द पोकेमोन लीग्स एलीट फोर, बट इट इज़ नॉट ओवर येट, देयर इज़ वन मोर अपोनेंट अगेंस्ट हुम यू मस्ट प्रूव योर स्ट्रेंथ, द पिनेकल ऑफ द पोकेमोन लीग द चैंपियन एल्डर, और परहैप्स दैट मैन कोल्ड एन हैज़ डिफीटेड हिम एंड टेकन हीज टाइटल। सो यहाँ पर भाई हमसे पहले जो चैलेंजर आया था वो एन था, और उसने यहाँ पर एल्डर को भी हरा दिया है। सो हो सकता है हमें उससे बैटल करना पड़े क्योंकि वो चैंपियन बन चुका है। अरे यार ये सही नहीं हुआ वैसे, आई डोंट नो विच वन यू विल फेस, बट चेक द स्टैचू इन द सेंट्रल प्लाजा एंड कंटिन्यू थ्रू द फाइनल रूम। सो अब हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा पहले तो, और उस स्टैचू को जाकर चेक करना पड़ेगा। ओके भाई यहाँ का लुक तो बिल्कुल बदल चुका है, सो हमने यहाँ पर सभी एलीट फोर करा दिया, इसलिए यहाँ पर इसका लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है। और यहाँ पर भाई हम नीचे की साइड जा रहे हैं, लगता है यहीं पर है भाई चैंपियन। ओके सो यहाँ पर हम नीचे आ चुके हैं बिल्कुल पोकेमोन लीग के। नथिंग हैपन्स, इट सीम्स यू कैन गो बैक अनटिल यू विन। सो हम यहाँ पर जब अगर हम जीतेंगे यहाँ पर तभी हम आगे जा पाएंगे। ओके वैसे जगह काफ़ी बड़ी लग रही है देखने में तो, हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है ये। ओके यहाँ पर सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, और भाई जगह और भी ज़्यादा कमाल की होती जा रही है देखा जाए तो। ऐसा लग रहा है हम किसी एंशियंट जगह पर आए हैं, बहुत पुरानी जगह। ओके भाई ऊपर कुछ कासल टाइप दिख रहा है यहाँ पर। ओके भाई ये लगता है यहीं पर एल्डर रहता होगा। ओके सो हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर ओके कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो। सो ऊपर चलते हैं हम यहाँ से धीरे धीरे, और यहाँ पर है भाई चैंपियन एल्डर, और मतलब चैंपियन एन कहना चाहिए मुझे। इट्स ओवर, नेवर अगेन विल पोकेमोन बी मेड टू सफर और बी हेल्ड कैप्टिव बाय ह्यूमंस, इट्स ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड जैक्रोम।
भाई जैकरोम की वजह से जीत पाया है यहाँ पर ये। यू मे हैव द टाइटल ऑफ चैम्पियन बट यू कैंट स्टॉप मी विद जस्ट अ लिटिल जस्ट अ टाइटल। योर सॉफ्ट हर्ट हैज लेफ्ट यू वीक। ईयर्स अगो यू लॉस्ट योर पोकेमोन योर पार्टनर टू सिकनेस। इन ऑर्डर टू फॉरगेट द पेन इन योर हार्ट यू वंडर्ड यू नो वा। हु नोज हाउ लॉन्ग इट इज इट्स बीन सिंस यू हैड टू फाइट विद योर फुल स्ट्रेंथ। आई एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक दैट अबाउट यू टफ एज अ ट्रेनर हु फार आउट मैचेस द चैम्पियन। आई सेल इश्यू एंड ऑर्डर एक्सिस एक्रोज यूनोवा। ट्रेनर्स ऑफ द वर्ल्ड फ्री योर पोकेमोन। ओके तो ये सभी ट्रेनर्स को यहाँ पर फ्री करने को कह रहा है अपने पोकेमोन्स को। सेपरेटिंग पीपल फ्रॉम पोकेमोन डू एनीथिंग बट दैट। यू एंड आई बोथ पुट आवर बिलीव्स ऑन द लाइन एंड फॉट विद ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड आई वॉन। ओके तो यहाँ पर ही जीत चुका है भाई बैटल। डू नॉट स्टे से अनदर। ओके यहाँ पर ही हमारी तरफ आ रहा है। आई बीन वेटिंग इन द फ्यूचर आई एंड विजन यू ऑब्टेन अ स्टोन एंड आई डिड यू हैव दैट लाइट स्टोन। जैकरोम इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। स्टॉप दिस इज नॉट अ सुइटेबल प्लेस फॉर द लेजेंडरी ड्रैगन्स। फ्रॉम द ग्राउंड राइज अप द कैसल ऑफ टीम प्लाज्मा। ओके भाई कुछ मंत्र कह रहा है क्या टीम प्लाज्मा कासल के लिए। सराउंड द पोकेमोन लीग। ओके से यहाँ पर भाई कुछ कासल आ रहा है लगता है भाई ग्राउंड के अंदर से कह रहा था ये तो। ओके भाई धरती के अंदर इसने अपना कासल बना हुआ है भाई। इतना बड़ा कासल अर्थ से निकल रहा है यार कितनी कमाल की बात है। वैसे रियलिटी में तो ऐसा हो नहीं सकता देखा जाए तो भाई। ये भाई ग्राउंड से इतना बड़ा कासल निकल रहा है। वैसे देखा जाए तो टीम प्लाज्मा का कासल बहुत बड़ा है भाई। पोकेमोन लीग से पड़ा है भाई कासल। ओके भाई कितना बड़ा कासल है भाई कितना ऊंचाई तक जा रहा है ये। और पोकेमोन लीग को इसने घेर दिया यहाँ पर। ओके यहाँ पर भाई यहाँ पर कुछ वेदर में भी चेंज आ रहे हैं। और यहाँ से भाई ये क्या आ रहा है भाई सीढ़ियाँ लगती हैं कुछ जाने के लिए इसके अंदर। ओके भाई काफ़ी कमाल के एनिमेशन चल रहे हैं यहाँ पर तो भाई। इस गेम की जितनी तारीफ करो उतने कम है यार। कितना कमाल का गेम है यार ये। वॉट हैज जस्ट अपियर्ड इज टीम प्लाज्मा कासल। ओके भाई टीम प्लाज्मा कासल है वो। द किंग्स वर्ड्स विल रिसाउंड फ्रॉम द हाइट्स टू ऑल बिलो। यू मस्ट कम टू द कासल एज वेल। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड देयर। वेदर पोकेमोन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम पीपल और वेदर पोकेमोन एंड पीपल will live together. We will see those beliefs is strong and our result will change the world. तो अभी अपने कासल में अभी जा रहा है यहाँ से। सही रहता है यार यहीं पर रहता और हम बैटल कर लेते अभी। मिस्टर एल्डर यू आर अ ब्रिक। इट्स नॉट फिटिंग द फॉर द चैम्पियन। यू डिड वेल टू गेट दिस फार। समहाउ आई बीट द पोकेमोन लीग बट इट वॉज नॉट ईजी। I have to congratulate you. Okay, वैसे यार हमने भी जीती है भाई पोकेमोन लीग। I become stronger because I understood what I want to do. Blake, tell and this. Some people grow stronger by being with Pokemon. My Pokemon and I are proof. Together, we learn and become stronger. I lost. I should have been able to demonstrate the bond between me and my Pokemon. That would have shown that Brad the worthlessness of his outrageous dreams. So his convictions were the real thing. Be careful. The ones who change the world are always the ones who pursued their dreams. Blake, I ask this for of you. Even if Pokemon and people are separated, nothing good will come of it. Please let him know that. Well guys, मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। और आप मुझे कमेंट से बताइए कि मैं अगली वीडियो में पोकेमोन ब्लैक ही खेलूँ या फिर कोई दूसरा गेम। और आप अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको पोकेमोन गेम्स की अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।